हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्मार्ट नेटवर्क में। तो आज बात करने वाले हैं बिहार के जितने भी संविदा कर्मी और बेल्टन के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, आप लोग में से खासकर जितने भी लोग पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं, उन लोगों के लिए जो है ये खुशखबरी है। ठीक है, तो खुशखबरी क्या है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। सभी संविदा कर्मी और बेल्टन के कर्मी का सेवा विलेख जो है बनने वाली है। स्थायीकरण वेतनमान का संरक्षण आपको प्राप्त होगा। और एक बात दोस्तों, यह जो लेटर है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, वो लेटर पंचायती राज विभाग का लेटर है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पंचायती राज विभाग में जितने भी बेल्टन के कर्मी है, चाहे वो संविदा कर्मी हो, कार्यपालक सहायक हो, तकनीकी सहायक हो, लेखापाल सहायक हो, आईटी सहायक हो या सचिव हो, इस तरह के सभी संविदा कर्मी जो कि पंचायत के कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है, इसका लाभ मिलने वाला है इन्हीं लोगों को। ठीक है, अभी के लिए पंचायत राज विभाग की तरफ से यह अपडेट आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पंचायत शाखा के उस लेटर को देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहा गया है। अगर फ्रेंड आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिला पंचायत शाखा, ठीक है, समाज न्यायालय परिषद औरंगाबाद, यानी कि ये लेटर औरंगाबाद के पंचायती विभाग से ये लेटर जारी किया गया है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय आदेश क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 11/26/31/1/2022 के आलोक में जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के आदेश इतना में संविदा पर नियोजित कर्मियों को सेवा अभिलेख संचारित करने का निर्देश प्राप्त है। उक्त के आलोक में वैसे सभी संविदा कर्मी जिनके मानदेय का भुगतान जिला पंचायत शाखा औरंगाबाद द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनके मानदेय का भुगतान जिला पंचायत शाखा औरंगाबाद द्वारा किया जाता है, ठीक है, उन्हीं के लिए उनकी सेवा अभिलेख संचालन हेतु जिला पंचायत संसाधन केंद्र DPRC औरंगाबाद के निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो है समाज न्यायालय औरंगाबाद के जितने भी पंचायत शाखा है औरंगाबाद में, तो वहाँ पे जितने भी कर्मी है संविदा पर, उन लोगों के लिए ये जो है सेवा अभिलेख बनने वाली है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे समाज न्यायालय औरंगाबाद की तरफ से लेटर जारी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे पंचायत विभाग भी ये लेटर जारी कर देगा, आदेश जारी कर देगा कि जितने भी कर्मी है संविदा पर पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे सेवा अभिलेख का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे संविदा कर्मी का नाम एवं पद, यानी कि सभी पंचायत के तकनीकी सहायक का यहाँ पे अभिलेख, सेवा अभिलेख बनने वाली है 5/5 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेखापाल, IT सहायक, कार्यपालक सहायक, ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक, ठीक है, सभी ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक, उसके बाद यहाँ पे जो है सभी पंचायतों के डाटा एंट्री ऑपरेटर ब्रैकेट में दिया हुआ है बेल्टन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे खासतौर पर बेल्टन के डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किन कर्मियों के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है और किन कर्मियों को यहाँ पे सेवा अभिलेख का जो है लाभ मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेटर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए जितने भी औरंगाबाद के यहाँ पे संविदा कर्मी हैं या बेल्टन के कर्मी हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है अपडेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उपरोक्त सभी संविदा कर्मी को निर्देश दिया जाता है कि
हुए उक्त तालिका में कॉलम 3 के अंकित तिथि को सेवा अभिलेख निर्धारण हेतु मूल में वांछित कागजात तथा योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, सेवा अभिलेख पत्र, उसके बाद नियोजन पत्र की छायाप्रति, ठीक है, योगदान की छायाप्रति, सामान्य नियोजन आदेश छायाप्रति यदि है, ठीक है, सामान्य नियोजन उपरांत योगदान की छायाप्रति, हस्तांतरण संबंधी कोई पत्र है तो आप दे सकते हैं, पासपोर्ट साइज 2 फोटो, और आपको यहाँ पे 10:30 बजे पहुँचना है DPRC औरंगाबाद में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे आपका टाइमिंग है, ठीक है। आप यहाँ पे DPRC का कार्यालय जो है वहाँ पे आप सभी कागजात को लेकर आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, और आपका यहाँ पे जो है सेवा अभिलेख का जो है कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे औरंगाबाद के संविदा कर्मी है या बेल्ट्रॉन के कर्मी है उन लोग जरूर ध्यान दें इस बात को, ठीक है। तो औरंगाबाद के जितने भी संविदा कर्मी और बेल्ट्रॉन कर्मी है सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, आपको ये गुड न्यूज़ मिल चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की अपडेट्स बताना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।